आउ रहिबनी ऑक्सीजन अभाव। होम आइसोलेशन रोगी को मागणा ऑक्सीजन देव रेड क्रॉस। भुवनेश्वर को आसिला 100 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। गोटे मेसीन रु ऑक्सीजन पाइपारे दुई रोगी ताहा पुणी निज घरे बिना मूल्य रे। सिंगापुर तैयारी होता एभली ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मेसीन एवं भुवनेश्वर को आसी रेडक्रस तरफ 300 मेसीन अर्डर कर प्रथम 100 मेसीन आसी सारी एथिमध्यरु 75 मेसीन को स्वास्थ्य विभाग को दिया जाइतबा बेले रेडक्रस भवन रे याकु उद्घाटन करिसेंती स्वास्थ्य मंत्री। यहाँ गोटे बहुत बड़ा पदक्षेप। आई मस्ट थैंकफुल टू रेडक्रस सी जे सेमाने जहाँ एटा गोटे व्यवस्था करिसेंती काई आज तृतीय लहर आसीबार विशेषज्ञ माने कहि सालले तेणु ये ऑक्सीजन रो ये जो आसी निश्चित भाव में भल काम कर रोगी को। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर रे दुईटी ऑक्सीजन सिलिंडर रहुछे फळरे दुईटी ऑक्सीजन पाइप द्वारा दुई जन रोगी को देहरे एहा लागी पारिबो। बड़ कथा हेउछि एहा वायुमंडल रु सीधा सलक ऑक्सीजन आनी एहा को विशुद्ध करी पाइप माध्यम रे व्यवहार हेबो। जेउ माने घर को नेबा को चाहिबे एहा को फिट करबा पई जने टेक्निकल ऑफिसर तांको सह जिवे। हॉस्पिटल न जगले भी हमर घर भी रोकी गिनी एटा यूटिलाइज करी हेबो एंड से माने कि आमे तांको फ्री ऑफ कॉस्ट देबो एंड से माने नल्ला बळकु गोटे सर्टेन डिपॉजिट रखिबे आमे पाकरे से सप्ताह हो बा 15 दिन हो से माने छटा को रोकी किनी ना यूटिलाइज करिवे तापर फेरिबे। राज्य रे ऑक्सीजन अभाव रु किछि मेडिकल रे रोगी मृत्यु रा नजीर रहिछे। आगो को कोरोना रा तृतीय लहर आसीबार संभावना थिबारु एही ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर होम आइसोलेशन रोगी पई अधिक उपादेय हेबो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन संजीव का सह रोशन रथ का रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।